मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमन लुक अराउंड। और आज मैं जा रही हूँ लखनऊ, जी हाँ, नबाबों का शहर, गंगा जमुना तहजीब का शहर। और मैं जा रही हूँ दिल्ली से, अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और दिल्ली से मैं जा रही हूँ लखनऊ। लखनऊ में वहाँ श्रीमद् भागवत है मेरे भाई के घर पे, तो वहाँ पे शुरू तो काफ़ी दिन पहले से हो गई है, कल उसका पारायण है, तो मैं उसको अटेंड करने के लिए जा रही हूँ यहाँ पे। और मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं सवेरे ये 7 बजे पहुँच गई हूँ अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 2 पे से हमारी फ़्लाइट है। तो हम लोग काफ़ी बड़ा ग्रुप हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लखनऊ। और अभी यहाँ पे सवेरे सवेरे दिल्ली में तो काफ़ी ठंड है, और हम लोग लास्ट ही थे बोट करने वाले, एक्चुअली हम लोग बच्चे थे हमारे साथ, तो हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट पे चाय वाय पीने लग गए, तो हम लोग को फिर लास्ट कॉल की गई तो सब फुल था, और हम लोग वी वर द लास्ट वन टू एंटर, बट लकीली हमें मिल गया, तो हम लोग फ्लाइट के अंदर हैं अभी। और बस 1 घंटे की यहाँ से फ्लाइट है, बस 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे लखनऊ, लखनऊ एयरपोर्ट। इस बार मैं काफ़ी साल बाद लखनऊ जा रही हूँ, लाइक 4-5 ईयर्स, बिकॉज कोरोना वगैरह बीच में था, और उसके बाद फिर हम लोग शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे मुंबई से दिल्ली, तो हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया अभी, तो एक्साइटेड भी हूँ मैं, क्योंकि लखनऊ जो मैंने सुना है कि काफ़ी चेंज हो गया है। तो 1 घंटे की फ्लाइट हमारी ओवर और हम लोग लैंड कर गए, मुस्कुराते रहिए आप लखनऊ में हैं। और लखनऊ हम लोग एंटर कर गए, और लखनऊ एंटर करते ही ऐसा एयरपोर्ट नहीं था ये, बिल्कुल बहुत ही अच्छा खूबसूरत एयरपोर्ट बन गया है लखनऊ का, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरी पुरानी जगह है यहाँ, मैं काफ़ी साल रही हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी लखनऊ को देखने की, इतने साल बाद कैसा लग रहा है लखनऊ। और एयरपोर्ट पहुँचते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा यहाँ पे लखनऊ, और लखनऊ एयरपोर्ट जो काफ़ी बदल गया। ये देखिए चौधरी चरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ पे हम लोग हैं अभी, और यहाँ से हम बाहर निकलते ही काफ़ी सुंदर खूबसूरत लखनऊ की रोड, और ये यहाँ का ये हाई कोर्ट देखिए, काफ़ी सुंदर इनका बिल्डिंग अभी हाई कोर्ट की बनी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है एंटर करते से ही लखनऊ। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लोग यहाँ घर पे पहुँच गए हैं और सब चेंज हुई, क्योंकि शाम को हमारी कथा शुरू हुई, हमने यहाँ सुनी, कथा सुनने के बाद हम लोगों ने थोड़ा इंजॉय किया, और इंजॉय करके इतने बढ़िया से सब भक्ति में माहौल था, खूब सबने बढ़िया से यहाँ पे डांस किया, इंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग निकल गए गोमती नगर की तरफ। शाम को हमें किसी को ड्रॉप भी करना था, तो वहाँ पे किसी को ड्रॉप करा, और उसके बाद हम लोग गोमती नगर की तरफ, ये देखिए गोमती नगर है यहाँ का, और ये है यहाँ का CMS स्कूल, यहाँ का लखनऊ का बहुत पॉपुलर स्कूल है, और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है इसका, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की उसमें लिस्ट में शायद ये नाम आया था काफ़ी साल पहले। और इधर से होते हुए हम लोग अभी उनको ड्रॉप करेंगे जो हमारे साथ हैं दीदी, उनको यहाँ पे गोमती नगर में हमें ड्रॉप करना है, और जनेश्वर मिश्रा की तरफ से हम लोग जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का लखनऊ का एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है ये, पहले अभी मतलब कुछ साल पहले ही ये बना है, और यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है ये, तो हम लोग टूवर्ड्स इनको ड्रॉप कर रहे हैं मिडवे, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं पार्क की तरफ। और आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गोमती नगर, गोमती नगर पहले भी बहुत अच्छा लगता था, दिस वॉज द वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ लखनऊ, उस ज़माने में भी ये काफ़ी अच्छा था, पॉपुलर प्लेस था, और अभी यहीं पे आगे जाके बन गया है जनेश्वर मिश्र पार्क। ये देखिए उसकी पूरी बाहर की बाउंड्री दिख रही है, काफ़ी बड़े एरिया में बिगेस्ट पार्क है ये लखनऊ का, ये देखिए जनेश्वर मिश्र पार्क बहुत खूबसूरत, इसका देखिए एम्बियंस ही कितना प्यारा लग रहा है, और काफ़ी क्राउड था यहाँ पे, काफ़ी क्राउड मतलब जैम पे हम लोग काफ़ी देर स्टक रहे, काफ़ी देर हमारी कार एक जगह पे रही, और देन थोड़ा मूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम हुई पार्किंग वगैरह का, और आपको फटाफट नीचे उतरना था क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक था।
और ये देखिए हम हैं पार्क के बाहर। ऑल्दो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो वील जस्ट गेट डाउन और आपको खाली एक क्विक व्यू आपको एक पार्क का दिखा दूंगी मैं बाहर से। काफ़ी बड़े एरिया में है ये, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी इसकी। आप लखनऊ आ रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करिए काफ़ी, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप लखनऊ विज़िट कर रहे हैं और आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा ज्ञानेश्वर। और यहाँ से हम क्विकली बस निकले देख के, और क्योंकि कल पारायण है और हवन है तो हम लोगों को टाइम से सब वाइंड अप करना है रात को, कि मॉर्निंग में हम टाइम से सारी चीज़ें कर पाएँ। तो बस यहाँ के लिए इतना ही, और कल हमारा ये देखिए हवन यहाँ पे, आज हवन हुआ मॉर्निंग में, पारायण है, शाम को थोड़ा कथा होगी, भंडारा होगा, बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे हुआ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सम्पन्न हुई। और ये हमारा जो लास्ट में जो हवन होता है, ये हवन यहाँ पे हो रहा है, पूरे हमारे सब फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे बैठ के हवन कर रहे हैं। और इसके बाद उनका समापन हुआ और फिर हम दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर निकल पड़े लखनऊ को देखने। और यहाँ से मुंशी पुलिया से पहले यहाँ पे मेट्रो स्टेशन नहीं थे, और ये देखिए यहाँ तक मुंशी पुलिया तक मेट्रो स्टेशन आ गया है। और यहाँ मुंशी पुलिया से पूरा कनेक्ट होते हुए, भूतनाथ होते हुए, आईटी होते हुए, ये काफ़ी मतलब कनेक्टिविटी अब यहाँ पे लखनऊ की बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो रोड में भी थोड़ा सा ट्रैफिक कम दिख रहा था कंपेरेटिवली, नहीं तो ये जो एरिया है मुंशी पुलिया वाला बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता था, तो यहाँ पे तो कार निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। बट इस बार ये ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो मेट्रो की वजह से काफ़ी डेवलप हो गया है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है और रोड्स भी काफ़ी क्लीन लग रही हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल पड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं चौक। बेसिकली हम लोगों को, हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप है तो लखनऊ आके चिकन की शॉपिंग नहीं करी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सबको चौक की तरफ जाना है। तो अभी हम लोग पहले इमामबाड़ा जाएंगे, और ये देखिए हम लोग हैं गोमती के ऊपर, खूबसूरत गोमती नदी है नीचे, अभी इतनी क्लियर नहीं आ पा रही है, बट ये जो गोमती नदी है ये लखनऊ की सुंदरता को और बढ़ा देती है, क्योंकि बिल्कुल शहर के बीच से निकलती है ये, जो चार चांद लगा देती है लखनऊ की खूबसूरती पे। और हम ये देखिए गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं और हमें घुमा रहे हैं तीजा, मेरा ये यहाँ पे लखनऊ घुमा रहा है। थोड़ा सा ये राजभवन है यहाँ का, ये देखिए राजभवन, वही वैसे पब्लिक के लिए बंद रहता है लेकिन ये केवल 14 फरवरी को खुला होता है, 13-14 फरवरी को, क्योंकि इस दिन वो होता है यहाँ फ्लावर शो होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो यहाँ सारे बड़े बड़े हॉर्टिकल्चरिस्ट और जो फ्लावर शो एक्सपर्ट और ये सब होते हैं वो सब आते हैं, तो पूरा अंदर पब्लिक एंट्री होती है और अंदर पूरा घूमते हैं। अच्छा, उस दिन हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे फ्लावर देखते हैं ना, फ्लावर शो पूरे और इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं यहाँ लोकल, ये सब। ये देखिए कितना खूबसूरत लखनऊ लग रहा है यहाँ पे, हम लोग गंज की तरफ पहुँचने वाले होंगे अभी, है ना? अभी एक गंज के चौराहे से हम पहले ही मुड़ जाएंगे। अच्छा, गंज से पहले हम लोग मुड़ जाएंगे चौक की तरफ। लखनऊ की विधानसभा के आगे से हम लोग निकल रहे हैं, और जो भारत की सबसे खूबसूरत विधानसभा के अंदर आती है ये, खूब देखिए बहुत खूबसूरत विधानसभा है ये, देखिए कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है यहाँ पे, कितने पुराना होगा ये आर्किटेक्चर यहाँ का, काफी पुराना बिल्डिंग होगा, विक्टोरियन आर्किटेक्चर है ये, बहुत खूबसूरत विधानसभा। और अभी हम लोग आ गए हैं आइकॉनिक हजरतगंज चौराहे के पास, और जो 19th सेंचुरी में नवाब सादत अली खान जी की वाइफ जो बेगम हजरत महल थी उनके नाम पे ये हजरतगंज रखा गया है। और यहाँ का जो ये बहुत यूनिक आर्किटेक्चर है, इसका एक अपना ही बहुत चार्म है यहाँ पे, और कमर्शियल एरिया है ये पूरा जो हजरतगंज है, यहाँ पे बहुत लाइवली वाइब्रेंट प्लेस है हजरतगंज लखनऊ की, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर देख के इसके आर्किटेक्चर को, लखनऊ के यहाँ पर जो पूरा ये रिफ्लेक्ट करता है, पूरा ये जो गंज है ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है, जो रिच हेरिटेज जो लखनऊ की है उसको ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का कल्चर, ये पूरा मतलब यहाँ पे जो इसका ईटरीज हैं यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ के जो लोकल क्विजींस हैं, इंटरनेशनल क्विजींस तो होते ही हैं सब, और लोकल भी होते हैं, लोकल चिकनकारी के काम, और पूरा एक कमर्शियल हब है, सेंटर ऑफ कॉमर्स कमर्शियल हब है ये, यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती हैं, काफ़ी इवेंट्स भी होते हैं, ये कल्चरल हब है यहाँ का, ये एग्जीबिशंस होती है, बहुत लाइवली प्लेस है ये हजरतगंज। तो यहाँ से हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, कभी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको गंज घुमाऊंगी मैं। और बस यहाँ से गंज से हम निकल गए हैं इमामबाड़ा की तरफ को, और इमामबाड़ा में रास्ते में अभी हमें
रेजिडेंसी पड़ेगी, तो थोड़ा सा रेजिडेंसी के बारे में मैं पूछती हूँ अपने भतीजे से, तो यह मुझे बताएगा यहाँ पे रेजिडेंसी की कहानी। तो भगत सिंह और उन्होंने जो बम नहीं फोड़े थे, हाँ, वो यही रेजिडेंसी में फोड़े थे, जिसके लिए उन्हें फिर सजाए मौत हुई थी, वो जो भी था। तो ये यहाँ पे रेजिडेंसी है, उसी वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी मीटिंग थी अंग्रेजों की, और यहाँ पे सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने बम फोड़ दिया था। अच्छा, रेजिडेंसी पे। तो ये रेजिडेंसी है, इसीलिए फिर उन्हें लखनऊ में काकोरी में जाके हुई थी फांसी। तो ये है यहाँ की रेजिडेंसी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को के संघर्ष को पल पल बयां करती है, और उसी से आगे हम यहाँ पे निकल गए हैं। और हमारे लेफ्ट में ये दिख रहा है अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, बहुत खूबसूरत सा बिल्डिंग है। लखनऊ में बिल्डिंग्स तो सारी, आपको पुरानी हो या नई हो, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और हमारे ठीक सामने हमें दिख रहा है रूमी दरवाज़ा, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं इमामबाड़ा, और ठीक सामने हमारे रूमी दरवाज़ा और लेफ्ट में है हमारे इमामबाड़ा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे को और करते हैं अपनी कार पार्क। ये देखिए हम है यहाँ पे इमामबाड़ा पे, और कितना क्राउड है यहाँ पे, घूमने आए हुए हैं हम सब लोग यहाँ पे, काफी बड़ा का इमामबाड़ा घूमने आया हुआ है। और ये क्या है सामने जो है, ये सामने तो इमामबाड़ा है, लेफ्ट में ये इसका गेट है। अच्छा, ये गेट है, भूल भुलैया तो इधर है, भूल भुलैया तो इसके अंदर है। तो हम लोग हैं इमामबाड़ा पे, तो यहाँ पे है भूल भुलैया, जिसमें 1000 रास्ते हैं और 489 आइडेंटिकल डोर्स हैं, जिसमें एक से आप निकलेंगे दूसरे से तो समझ ही नहीं आता आप कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं। और यहाँ पे ही आप अंदर आके घूमेंगे, तो यहाँ पे हमको पूरा लगता है कि यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, तो आपको गाइड एक जगह पे दूर जाके माचिस चला के दिखाता है, और वहाँ पे हमें दूर में आवाज़ सुनाई देती है। हम दीवारों पे कान लगा के खड़े रहते हैं, तो हमें आवाज़ भी सुनाई देती है, तो यहाँ पे मतलब वो ट्रू हो जाती है। देखते लखनऊ इज फिल्ड विद मिस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज, और यहीं पे हमारे नवाब असफुद्दौला जी की टोम भी है, और ये है इमामबाड़ा। तो क्विकली हमने देखा, आप लोग अगर विजिट कर रहे हैं लखनऊ में तो आप अच्छे डिटेल से देखिए, मैंने पहले देखा हुआ है बट इस बार थोड़ा टाइम भी कम है, तो चलिए मेरे पीछे हमने देखा इमामबाड़ा, और बहुत कुछ है इसमें अंदर देखने को, काफ़ी पूरी हिस्ट्री से भरा हुआ है। और यहाँ पे हमने एक क्विक व्यू लिया सारे इमामबाड़ा का अच्छे से हमने यहाँ पे, बाकी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, उन लोगों को भी अंदर जाके इमाम। चलिए अभी हम लोग इमामबाड़ा में थे, और अभी हम लोग यहाँ पे चौक पे जा रहे हैं, कुछ चिकन की शॉपिंग करनी है मुझे, तो मैं यहाँ से अभी हमने रिक्शा लिया है, और हम लोग काफ़ी बड़ा ग्रुप है, हम लोग सब डिफरेंट डिफरेंट रिक्शे में बैठे हैं, और यहाँ से अभी हम लोग ये देखिए यहाँ पे पुराना ये टांगे भी दिख रहे हैं, ये पूरा आपको लखनऊ का फील अगर लेना है, अगर लखनऊ आप घूमने आ रहे हो तो इस एरिया को आप स्किप मत करिए, लाइक इमामबाड़ा वाला चौक वाला जो इसमें यहाँ के लोकल का फील है वो आपको यहाँ पे ही आएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चौक में, तो कुछ चिकन की यहाँ का जो चौक है वहाँ पे पूरी कारीगरी होती है, और चौक में चिकन का हमें कुर्ते सूट साड़ी वगैरह अच्छी मिलती हैं। तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं चौक की तरफ, और हम लोग बैठे हैं यहाँ के टुक टुक में, इसको क्या टुक टुक बोलते हो आप यहाँ, टुक टुक, यहाँ लखनऊ में टुक टुक ना, हाँ, तो हम लोग यहाँ टुक टुक में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं चौक में। इसको भी इन्होंने ऐसे ही इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे टांगे चलते हैं, तो टांगों में वही फील देने के लिए पूरा उसको मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पे अभी कभी भी यहाँ पे लोग रोड नहीं करते, इसको एज इट इज़ रखा गया है, बस रेनोवेशन होती हैं, बट इसको अभी हमको भी यहीं पे टुक टुक में वही टक 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 वाला फील आ रहा है। तो ये चलिए हम लोग टर्न कर गए चौक की तरफ को, और यहाँ पे हमने ले लिया है रिक्शा, और अगर आपको अगर चौक जाना है इमामबाड़ा से तो आप अपनी कार वगैरह पार्क कर दीजिए इमामबाड़ा में, और रिक्शे से ही ट्रेवल करिए, तो उसका मज़ा बहुत अलग है, फील अलग है, जो यहाँ की वो तकबक वाली जो फील आई वो बहुत अच्छी थी। और हम यहाँ पर देखिए चौक के कौन सा क्या नाम है, अली मार्केट का चौक की कौन सी मार्केट है, कंचन मार्केट, कौन सी फैक्ट्री, लखनऊ चिकन फैक्ट्री, लखनऊ चिकन फैक्ट्री में हम लोग आए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चिकन का काम हो भी रहा है, हाँ, सब कढ़ाई वगैरह सामने दिखता है, यू कह रही हो ना, मैं देख लो, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये हाथ से कढ़ाई हो रही है, आप ये कढ़ाई करें, कौन सी कढ़ाई है, ये घास पत्ती है, घास पत्ती बना रहे, आप खुद बना रहे थे अभी, जी
अच्छा ये बना रहे हैं, दिखाइए देखिए यहाँ पे ये फ्रेम पे ये देखिए पूरा हाथ का वर्क। हम लोग चिकन फैक्ट्री में आ गए, यहाँ पे चिकनकारी का ये पूरी फैक्ट्री है। और ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिजाइन दे रहे हैं, राइट? अभी डिजाइन देके आप वहाँ उनको दे देंगे कढ़ाई करने के लिए, हाँ भैया? अच्छा ये यहाँ पे दिया चिकन का डिजाइन के लिए। और यहाँ पे देखिए आप, मैं फैक्ट्री पे आ गई हूँ, चिकनकारी की फैक्ट्री पे। ये देखिए हाथ का काम, देखिए कितनी मेहनत होती है इसमें। कौन सी कढ़ाई कर रहे हो आप? बखिया। बखिया खूबसूरत बखिया का काम हो रहा है। और ये जो मुकेश, ये भी हाथ से लगाते हो क्या? जी। मुकेश भी ना। और ये देखिए हम है चिकन फैक्ट्री पे और काफी खूबसूरत यहाँ पे सूट से चिकन के सिलाई होता है, यहाँ पूरी सिलाई होती है। देखिए अच्छा ये इनकी सिलाई की फैक्ट्री है, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं और ये पूरा फिनिशिंग हो रही है। अच्छा धागा काटा जा रहा है, ठीक है। इधर यहाँ चेक किया जा रहा है, जो वहाँ पे बनाया तो उसकी फिनिशिंग चेक की जा रही है कि कैसा है, वो चेक किया जा रहा है। और सब माल ये रखा है सब यहाँ पे चिकन का सारा, सब गोदाम रखा है। अच्छा गोदाम में आपको पूरा चिकन का यहाँ पे है, फिर यहाँ से ये जाता होगा, ये आपका होलसेल मार्केट है यहाँ का चिकन का है। अच्छा ये बाकी शोरूम्स में वगैरह जाता होगा। तो एग्जैक्टली अगर जैसे किसी को शॉपिंग करने आना है तो क्या एड्रेस क्या रहेगा आपका? एक मिनट भाई सभी को जरा देख के बताएंगे। चौक लगता है, चौक। चौक में क्या 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 है? ये चौक टेम्पो स्टैंड पे आ जाइए। अच्छा चौक टेम्पो स्टैंड पे, तो यहाँ पे होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पे पूरा बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और काफी बड़ा यहाँ पे है, बन भी रहे हैं यहाँ पे। और वैसे तो ये होलसेलर्स है तो रिटेलिंग भी यहाँ पे हो रही है। तो ये है हम लोग, डाई करवा सकते हैं आप? ये कितने का है मजिंटा वाला? 2550 2550 का। ये कलर देखिए, ये कितने का है? ये कितने का है भैया? 1050 का। 1050 की देखिए कुर्ती है, अच्छे चिकन की शायद है। जरा सा कलर अच्छे दिखा दो भैया, अच्छे कलर। ये देखिए अभी ऑर्गेन्जा में भी चिकन का वर्क है यहाँ पे। और ये कुर्ती कितने की है? 1850 की। और ये काम कौन सा है? घास पत्ती वर्क है। अच्छा घास पत्ती वर्क है इसमें। 5200 का। ये हमारा मीटिंग पॉइंट है, तो मैं हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, सबको यहाँ पे आने का, क्योंकि सब लोग अपनी शॉपिंग करके आएंगे। तो तब तक हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इमामबाड़े के बारे में। चलो पूछते हैं सुवी से। पहले इमामबाड़े का वो इमामबाड़ा बना क्यों था? तो यहाँ पे उस समय भुखमरी थी, बहुत सूखा पड़ गया था। तो यहाँ के नवाब आसिफुद्दौला ने बोला कि सबको एक रोजगार देना, तो क्या दिया जाए? अच्छा। तो हर सुबह जो जनता थी, जो बनाने जो मजदूर थे, आधे मजदूर सुबह बनाते थे इमामबाड़ा, और फिर बाकी आधे मजदूर रात को उसे गिराते थे। अच्छा। और रोज यही चलता था, जिससे रोजगार बना रहे। अरे रोजगार चलता था, इसीलिए उस समय कहावत बहुत फेमस हुई, जो ना दे पाए मौला वो दे आसिफुद्दौला। अच्छा अच्छा, इसीलिए कहावत वो थी। फिर उसके बाद आसिफुद्दौला ने कहा कि इसका मतलब ये बोला कि मैं खुदा से बड़ा नहीं हूँ, तो उन्होंने फिर बोला जो दिलाना चाहे मौला वो दिलाए आसिफुद्दौला। अच्छा। तो लखनऊ में आज भी ये वाली कहावत बहुत मशहूर है कि नवाब जो थे यहाँ के आसिफुद्दौला, वो यही थे कि जो दिलाना चाहता था मौला वो दिलाते थे आसिफुद्दौला। अच्छा। तो अरे वाह, ये तो ये जो पूरा कंपाउंड है ये आज भी इन्होंने पत्थर वाले रोड को पत्थर का ही बना रखा है, जिससे जब तांगे चले तो उसमें वही फील आए जो पुराने नवाबों के टाइम आती थी। हाँ, जो टक टक वाली जो फीलिंग है वो आनी चाहिए, टक टक आवाज वाली फीलिंग है वो टकबक टकबक तभी आएगी जब इसमें ऐसे पत्थर लगे होंगे, तो ये कभी भी नहीं बदलने वाला, ये ऐसा ही रहेगा। अच्छा, ये तो लोग मेंटेन करके रखेंगे, थोड़ा हेरिटेज अपना है। और वो पीछे रूमी दरवाजे, वो इमामबाड़े से पहले जो कॉरिडोर स्टार्ट होता है वो आगे तक जाता है, आगे और दो गेट है ऐसे ही, वहाँ तक पूरा जाता है। और इसी कॉरिडोर के बीच में आपको राइट साइड एक पहले जहांगीर आर्ट गैलरी दिखेगी, फिर उसके बाद आपको
ये घंटाघर दिखता है यहाँ का क्लॉक टावर हाँ, और उसके बाद फिर उसी के आगे यहाँ की बावली है जो पब्लिक बात होती थी हाँ, और उसके आगे सतखंडा है अच्छा। तो सतखंडा भी यहाँ के राजा ने बनवाया था और वो पहले ही 7 फ्लोर का बनना था तो उसका नाम सतखंडा हो गया लेकिन 5 फ्लोर के बाद उसका कंस्ट्रक्शन रुक गया अच्छा। तो आज उसमें केवल 5 फ्लोर है लेकिन उसका नाम शुरू से सतखंडा पड़ा हुआ अच्छा सतखंडा है। चलिए अभी नेक्स्ट विजिट में वहाँ सब देखेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे नेक्स्ट टाइम। और आज आप देखिए इमाम, चलिए देखिए सामने हमारे को ये दिख रहा है रूमी दरवाज़ा, इसको टर्किश गेट भी कहते हैं। तो इसके लिए अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं कि उसे कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो इसमें थोड़ा काम चल रहा है। तो चलिए आज इतना ही यहाँ पे के लिए और अभी हम लोग वापस चलते हैं घर को, क्योंकि पैक भी करना है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है लखनऊ, यहाँ पे कैमल राइड वगैरह भी हो रहा है, दिल तो नहीं कर रहा है इतनी जल्दी लखनऊ को छोड़ के जाया जाए, मगर ज़रूरी है जाना, तो हमारा फ्लाइट भी है। तो अभी हम लोग फटाफट घर जाएंगे और रस्ते में घर के रस्ते में अगर जो जो हमें मुझे दिखता है मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ। ये देखिए अभी शाम को जब लाइट्स ऑन हो गई हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा है इमामबाड़ा वाला एरिया पूरा, बहुत ही यहाँ पर रिच हेरिटेज एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस जो सिटी की है वो यहाँ पे बस दिखती है और खूब बहुत दिल खुश हो जाता है इस एरिया में आके, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने इमामबाड़ा का ये गेट देखिए येलो लाइट से कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब बहुत खूबसूरत सिटी है लखनऊ की। अगर आप विज़िट नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करिएगा और अच्छा टाइम लेके जाइएगा, एक एक चीज़ को इंजॉय करिएगा यहाँ पे, चाहे वो यहाँ का खाना हो, यहाँ यहाँ का पहनना हो, यहाँ की चिकनकारी हो, यहाँ का आर्किटेक्चर हो, तो बहुत खूबसूरत है। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं पहले घर को, ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग रेडी है। और यहाँ का ये हनुमान मंदिर है, बहुत पॉपुलर यहाँ पे हनुमान मंदिर है, यहाँ पे हम लोग काफ़ी आते थे और इसी के आगे आते हैं। ये देखिए यहाँ की यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी है ये, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, तो इतना खूबसूरत लगता है लखनऊ आके। ये देखिए यहाँ का यूनिवर्सिटी को विद्यालय, विश्वविद्यालय यहाँ का, ये मेट्रो स्टेशन भी बन गया है जो पहले नहीं था, अब यहाँ पे मेट्रो भी आ गई है तो सब मेट्रो स्टेशन बन गए हैं। तो बस हमने की पैकिंग और हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। और ये लुलु मॉल हमारे एयरपोर्ट जाते समय, ये देखिए पहले ये मॉल भी नहीं था, अब ये लुलु मॉल सबसे बड़ा मॉल यहाँ का है। और ये हम अब एयरपोर्ट के रास्ते में आ गए हैं, पैकिंग वैकिंग वो मैंने नहीं दिखाया है, वो करके खाना वाना खा के हम लोग सब निकल गए हैं। लुलु मॉल हमें क्रॉस किया है और हम लोग पहुँच रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ को, बस एयरपोर्ट भी पहुँच गए हैं हम, क्विक एयरपोर्ट पहुँचे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग शॉपिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम लगा चुके थे तो हमारे घर पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तो बस हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट, फटाफट हमें यहाँ पे ड्रॉप किया और दौड़ते भागते हम लोग, क्योंकि इतने सारे लोग थे, ऑलमोस्ट हम लोग वापस आने वाले भी लाइक थे 18 लोग थे शायद, तो अभी मैंने काउंट नहीं किया कितने हैं, बहुत सारे हैं तो, बट हाँ ऑलमोस्ट इतने तो हम लोग थे ही। तो हम लोगों का सबका टिकट था तो फटाफट चेक इन किया है और सब चेक इन करके अब हम लोग अंदर जा के फटाफट अपने, इनफेक्ट हम लोगों ने पानी वानी भी फिर रिलैक्स होके वहीं बैठे, क्योंकि हम लोग सवेरे से कुछ ना कुछ बैक टू बैक चल रहा था हमारा कि अभी यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है। और अभी यहाँ पे हम बोर्ड करने वाले भी लास्ट ही थे तो बस भी हम अनाउंसमेंट हो रही थी, तो हमारे लिए अनाउंसमेंट हो रही थी बस में, वहाँ पे बस वॉज वेटिंग बोर्ड करने के लिए, तो वी वर द लास्ट वन, तो हमारे लिए अनाउंसमेंट हुई तो फिर उसके बाद हम लोग सब लोग वहाँ पे बैठे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रिलैक्स होके चेयर्स में बैठ गए थे और हम लोग इतने सारे लोग बातें कर रहे थे कि हम अनाउंसमेंट सुन ही नहीं रहे थे। तो देन फिर बाद में जब अनाउंसमेंट हुई तो हम लोग आए दौड़ते भागते, देन देखिए अब एयरपोर्ट में, अभी हमें बस में कोई नहीं है तो मेरे को रिकॉर्डिंग करने को भी इजीली मिल गया था, तो फिर मैंने भी चलो कैमरा ऑन करके मैंने कहा चलो यहाँ तक, अभी क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, इतना क्राउड होता है, बस भी आपको पता ही कितना सारा भरी रहती है कि आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हो, बट अभी आराम से कंफर्टेबली कोई है ही नहीं बस में, हम ही लोग हैं, तो बस हम लोग रिकॉर्ड करते करते पहुँच रहे प्लेन की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जाके लोग हमें रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं हमारी एयरलाइन, चलिए अब हम करते हैं बोर्ड अपना प्लेन और चलते हैं वापस बैक टू दिल्ली। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, आई लव योर कमेंट्स, कमेंट करिए और मिलते हैं किसी नई जगह पे। सो बाय फॉर नाउ।